तुम्हारी और यासिर की सुलह हुई नहीं हुई? बिल्कुल हो गई। हो गई? हाँ। शुक्र है। हाँ, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ये बड़ा अफसोस है इस बात पे। ये हमारा जर्नलिज्म है। हाँ। जर्नलिज्म देख लें आप जरा। हाँ। कि मैं यासिर को, मेरे लिए और मुझे यासिर को, यासिर के लिए इतना इम्पोर्टेंट बना दिया लोगों ने कि और कोई बात नहीं है। वन वर्ड फॉर यासिर। हाँ, ये मतलब मैं आपको सीरियसली लगता है कि मैं नेशनल टेलीविजन पे बैठ के यासिर के लिए कुछ ऐसी बात बोलूंगी जो इनअप्रोप्रिएट होगी? ऑफ कोर्स नॉट। आई एम नॉट समबडी हु इज अनएजुकेटेड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ी लिखी इंसान हूँ। आई एम समवन हु इज प्रीटी लिटरेट। मैं इलिटरेट तो हूँ नहीं कि मैं बता। हाँ हाँ, शुक्र। हाँ, बिल्कुल सुलह हो गई। तो मैं करवा देता। नहीं नहीं, सुलह हो गई, मस्ती मजाक, क्योंकि मैं इरिटेट हो गई थी। हाँ। हर शो में यासिर 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 यासिर, एंड आई एम श्योर उसके साथ भी यही होता होगा। हाँ हाँ, उसको तो हमने मैसेजेस आते हैं। अभी हम इस्लामाबाद में साथ में थे, उस दिन भी वो मुझे दिखा रहा था, कहते देखें फिर किसी को तकलीफ हो रही है। तो मैंने कहा यार मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में, सीरियसली। तो मैं अच्छा, मुझे मैंने एक दफ़ा तो खैर वो जो आगे से जवाब दे दिया दे दिया, अदरवाइज मैं जितने शोज में गई हूँ फैसल, मैंने सबको यही, मुझसे जब भी कोई पूछे, मेरे पास कोई बात ही नहीं है करने की सिवाय उसको विश करने के। हाँ। मतलब मैं क्या बोलूँ? ही जस्ट आई थिंक एट दैट टाइम बेटा पैदा हुआ था उनका, कबीर। तो वो उसकी मुबारकबाद, डायरेक्शन शुरू कर दी तो उसकी मुबारकबाद। आई वाज लाइक, अगर आप लोगों को सीरियसली लगता है वन ऑफ हिज सीरीज अंडर हिज डायरेक्शन तो बड़ा मजा आ रहा है। नहीं नहीं, इज अ ग्रेट एक्टर। डायरेक्शन में तो मुझे अभी, मैंने तो कभी काम नहीं किया अंडर हिज डायरेक्शन, बट व्हाट एन एक्टर भाई। वो एक हमारे हमारी इंडस्ट्री में एक बात होती है कि अच्छे की आवाज है। हाँ। तो लड़के की अच्छे की आवाज है भाई। वेरी नाइस, है ना? क्लैपिंग। सो बहुत दिल से काम कर रहा है, अल्लाह पाक उसे कामयाब करे। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।